जय माता दी, जय मां कामाख्या। नव रात्रि में रक्षा कवच कैसे तैयार करें? हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, और मैं कहता हूं नवरात्रि में सबसे पहले अपने इस घट पिंड की रक्षा करना चाहिए, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। क्योंकि आप यदि स्वस्थ हैं, तंत्र मंत्र काला जादू से यदि आप परेशान हैं या फिर आपके ऊपर होते रहता हो, तो फिर सबसे पहले रक्षा कवच स्वयं तैयार करो। अब आप कहेंगे कि हम रक्षा कवच तैयार नहीं कर सकते, तो मैं रक्षा कवच तैयार करने की पूरी विधि बता रहा हूं। आप स्वयं रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं अपने लिए, जो बहुत ही विश्वसनीय होगा, और अपने परिवार के लिए भी तैयार कर सकते हो। आपको किसी से कोई भी रक्षा कवच खरीदने की आवश्यकता नहीं, यदि आप करने में सक्षम हो तो। तो रक्षा कवच कैसे तैयार करें? क्योंकि नवरात्रि में ही रक्षा कवच तैयार करना चाहिए, ताकि देवी शक्ति, चाहे वो काली हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो कंकाली काली हो, चाहे वो महालक्ष्मी हो, चाहे वो महासरस्वती हो, सबकी कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगी। तो रक्षा कवच कैसे तैयार करें? सर्वप्रथम घी का दीपक लगाना चाहिए। एक लाल चौकी के ऊपर, लाल पटे के ऊपर कलश की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको अवश्य सुने कि कलश की स्थापना किस विधि विधान से करना चाहिए। नौ दिन रात्रि में 11:30 बजे से 4 बजे के बीच में दुर्गा कवच का पाठ करना है आपको। इसी समय रोजाना जितना पाठ किया है उसका दशांश हवन गूगल से करना है। यह विशेष बात है यहां पे कि गूगल से ही हवन करें। इन 9 दिन में स्त्री के साथ सहवास संभोग बिल्कुल भी नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरे का सेवन नहीं करना है, और पराई स्त्री से दूर रहना है। और स्त्री है तो पराए पुरुष से दूर रहना है। रक्षा कवच के लिए एक तावीज लेना है, चाहे वो चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है। उसमें एक बार दुर्गा कवच का पाठ किया तो एक पीली सरसों का दाना उस तावीज में डालते जाइए। ऐसे जितनी बार पाठ किया हो उतने दाने तावीज में प्रतिदिन डालना है। जैसे एक रात में आपको, आपने 11:30 बजे से 4 बजे के बीच में मान लो 21 बार दुर्गा कवच का पाठ किया है, तो 21 दाने उसके अंदर एक दिन में डल जाना चाहिए। मतलब जितने बार पाठ किया उतना दाना उसके अंदर डालना है, और आखिरी में एक लौंग भी उसके अंदर डालना है आपको। ऐसा प्रत्येक दिन करते रहें। आपको उपवास रखना है, और आखिरी दिन यानी अंतिम दिन यानी 9वां दिन जो रहेगा, उस रात्रि को एक खोपरा गोला, जिसको गोला गरी भी बोला जाता है, उसे पूर्ण आहुति के लिए छोड़ना भी है, अग्नि में डालना है। रोजाना एक नींबू की बली लौंग और बतासे के साथ में देना है। दशहरे के दिन लाल धागे में उस तावीज को धारण करना है। गले से ताबीज धारण करने के बाद कभी उतारना नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई छुआछात नहीं होता है, कोई सूतक पातक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उस तावीज को बिल्कुल भी नहीं उतारना है। और उसको इस तरीके से आपको पैक करना है कि उसके अंदर पानी नहीं लगना चाहिए। ये क्रिया पूर्ण विश्वास के साथ करें, संपूर्ण समर्पण भाव से करें, संपूर्ण शरीर की रक्षा नकारात्मक ऊर्जा से होगी, यह पूर्ण विश्वास है। रोजाना मां दुर्गा या काली माता को फूलमाला अवश्य चढ़ाना है आपको। गुड़हल का फूल चढ़ा सके, जासून का फूल चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। माता दुर्गा या माता काली को पहले दिन श्रृंगार का सामान भेंट करना है, पूजा का सामान भेंट करना है, मिठाई, नारियल, चुनरी, पान का बीड़ा, नींबू, इत्र और गुलाब के फूल की माला अवश्य चढ़ाएं, और आखिरी दिन भी चढ़ाएं। इन नियमों का पालन करते हुए आपको सिर्फ रात्रि में कवच का पाठ करना है केवल। तो ये इस तरीके से वो जो पीली सरसों और लौंग कवच के माध्यम से सिद्ध हो जाएंगे, उनको आपको धारण करना है। और इन जो कवच के रूप में बनाए गए पीली सरसों लौंग बनी है, इनके ऊपर पानी नहीं लगे,
ऐसी व्यवस्था अवश्य करें और हमेशा गले में धारण करके 2400 घंटे अपने इस घट पिंडी की रक्षा करें। बाकी दिन के समय पे आप मां भगवती जगत जननी के 32 नाम का पाठ कर सकते हैं, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ कर सकते हैं या फिर दुर्गा जी के 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा नौ रात्रि में आप जप तप करेंगे उतना आपको जीवन में सुख समृद्धि शांति और निरोगी प्राप्त होगी। प्रयास करिएगा, यदि जिसको भी कवच तैयार करवाना हो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर जो विधि बताई उस विधि से स्वयं तैयार करें। बीच में 9 दिन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जितने भी इस संसार में माता बहने हैं, स्त्री हैं, उनका मान सम्मान करें, कन्या पूजन करें यदि हो सके तो, और कन्या पूजन के उपरांत उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, निरोगी रखे, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से करते रहेंगे। जय मां कामाख्या। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरं महाकल्याणं धाकनक जंबक धाम भूषां उदंग भिन्न कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूतये। इस प्रकार से आप अपनी मन से मंत्रों का जाप करें, हमेशा मां भगवती के स्मरण करते रहें, निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा अब तक अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।